हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल में। पंचायती राज विभाग बिहार की तरफ से एक और आ चुका है ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि आज का ये अपडेट है 26/8/2019 का। कि जी हां फ्रेंड्स, यहां पर एक जिला का जो है, यहां पर पिछला जो काउंसलिंग हुआ था उसको पूरा रद्द कर दिया गया है और जो दोबारा यहाँ पर काउंसलिंग होने वाला है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो लिस्ट जारी किया गया था पहले उसको रद्द करके यहाँ पर दोबारा जारी किया गया लिस्ट, और उसी के अनुसार जो यहाँ पर आप लोगों का फिर से काउंसलिंग सभी का होगा। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जान लीजिए कि ये कोई सेकेंड काउंसलिंग या थर्ड काउंसलिंग नहीं है, बल्कि फिर से यानी उस जिला में जो काउंसलिंग पहले हुआ था, ठीक है, पूरा रद्द करके दोबारा यानी रिकाउंसलिंग किया जा रहा है। तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसका कि दोबारा काउंसलिंग हो रहा है, जो कि अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट पोस्ट के लिए हो रहा है, ठीक है। और जो काउंसलिंग का डेट है वो 28 अगस्त 2019 है, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको चल सके पता कि किस डिस्ट्रिक्ट का है और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लेके जाना है, और भी बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में हम देने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, और फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को दबा दीजिए, दोस्तों को शेयर भी कीजिए ताकि वो भी अपना लिस्ट में नाम चेक करे, अगर नाम है तो वो भी अपना जो है उस जिला में काउंसलिंग में भाग ले सके। और फ्रेंड्स, आप चाहते हैं कि इस तरह के अपडेट और जॉब्स के अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दबाइए घंटे के बटन को, ताकि हमारी कोई भी वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए शुरू करते हैं, दिखाते हैं आपको किस जिला का आया है अपडेट। तो फ्रेंड्स, ये जो अपडेट आया है ये आया है मधुबनी जिला से। तो मैंने यहाँ पर मधुबनी जिला का जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पर ओपन किया हुआ है। देखिए यहाँ पर इम्पोर्टेंट नोटिस रिगार्डिंग रिकाउंसलिंग फॉर अकाउंटेंट कम IT असिस्टेंट बाय पंचायती राज डिपार्टमेंट मधुबनी, ठीक है। यहाँ पर देखिए 26 अगस्त को अपलोड किया गया वेबसाइट पर। व्यू यहाँ पर 124 KB का फाइल है, तो मैंने यहाँ पर डाउनलोड किया हुआ है। चलिए आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रहा अपडेट ऑफिशियल PDF, जो कि आपको वेबसाइट पर मिल जाएगा। समाहरणालय मधुबनी, जिला पंचायत शाखा मधुबनी, मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निचय योजना एवं मुख्यमंत्री ग्रामीण गली नाली पक्कीकरण निचय योजना अंतर्गत लेखापाल IT सहायकों के काउंसलिंग संबंधी महत्वपूर्ण सूचना। पहला देखिए यहाँ पर दिया गया पॉइंट वाइज, पहला जो है लेखापाल IT सहायकों के पद पर नियोजन के क्रम में पुनः काउंसलिंग हेतु दिनांक 28 अगस्त 2019 की तिथि निर्धारित की गई है। जो आप लोग का फिर से काउंसलिंग होगा, पुनः काउंसलिंग, ये आपको 28 अगस्त को होगा। और दूसरा है कि पंचायती राज विभाग बिहार पटना द्वारा दिए गए दिशा निर्देश के आलोक में आरक्षण के प्रावधानुसार संबंधित वर्ग के स्वीकृत पदों के 6 गुना अभ्यर्थियों को रिकाउंसलिंग के लिए आमंत्रित किया गया है, ठीक है। यानी जो कैटेगरी वाइज जितने भी पोस्ट था उनका जो है 6 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया गया है रिकाउंसलिंग में। और पॉइंट नंबर 3, दिनांक 28 अगस्त 2019 को रिकाउंसलिंग हेतु प्रकाशित सूची में जिन अभ्यर्थियों का नाम है वे अभ्यर्थी काउंसलिंग हेतु निर्धारित स्थल पर निर्धारित समयावधि में उपस्थित होकर विधिवत काउंसलिंग कराएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके रिगार्डिंग में बहुत पहले भी इसका एक आया था अपडेट 10-15 दिन पहले, उसमें लिस्ट जारी किया गया था कैटेगरी वाइज, तो मैंने उसमें वीडियो बनाया था। उम्मीद है कि आप लोग देखे होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं, या आपको सारा लिस्ट मधुबनी के वेबसाइट पर मिल जाएगा, आप जाके कैटेगरी वाइज चेक कर सकते हैं आपका नाम है कि नहीं, ठीक है। और फ्रेंड्स, इसमें जो है आप सही समय पर वहाँ पर आपको होना पड़ेगा उपस्थित, तभी आपको काउंसलिंग होगा, ठीक है। और पॉइंट नंबर 4, कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा BCom का अंक पत्र पूर्णांक के आधार पर निर्गत नहीं किया गया है, ऐसे विश्वविद्यालयों द्वारा स्नातक के 3 सत्र के अंक पत्र अलग अलग निर्गत किए गए हैं, जिसके कारण अभ्यर्थियों के पूर्णांक की गणना सही ढंग से नहीं हो पाई है। इसीलिए ऐसे विश्वविद्यालयों से प्राप्त जो भी अभ्यर्थी प्राप्त किए हैं अंक पत्र, तो वो 3 सत्र के अंक पत्र के मूल प्रति के साथ दिनांक 28/8/19 को काउंसलिंग हेतु वाटसन उच्च विद्यालय मधुबनी के गैलरी भवन में उपस्थित रहेंगे, ठीक है। तो आप लोग को 28 अगस्त को कहाँ पर जाना है मैंने बता दिया, ठीक है, जाना है वाटसन उच्च विद्यालय मधुबनी के गैलरी भवन में, वहीं पर आप लोग को जो है फिर से काउंसलिंग होगा। और लिस्ट अगर नहीं देखे हैं तो आप जाकर देख सकते हैं, वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो आप लोग को यही अपडेट देना था, ठीक है फ्रेंड्स, कि मधुबनी जिला में दोबारा यहाँ पर काउंसलिंग हो रहा है, अच्छा मौका है, आप लोग अपना नाम चेक कीजिए, अगर है तो यहाँ पर बेहतरीन मौका है जॉब पाने का, तो जाइए जरूर काउंसलिंग में अगर नाम है तो, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरह के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में दबा दीजिए बेल आइकन, ताकि हमारी कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत अपडेट मिल सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक लाइक जरूर कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।